सो है एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिलासपुर के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ का जो एडमिशन फॉर्म है यूजी का, उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है और दो कॉलेजेस का मेरिट लिस्ट अभी निकल के आया है, बट उनका भी एडमिशन रीओपन हो रहा है, तो उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो याद से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बिलासपुर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस कॉलेज की। तो साइंस कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है परसों जारी कर दिया गया है। हम लोग थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन है तो नेटवर्क की वजह से वीडियो के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बट आप लोग चैनल की कम्युनिटी पोस्ट को भी कंटिन्यू चेक करते रहिएगा, क्योंकि अभी हम लोग कुछ दिन आउट ऑफ स्टेशन ही रहेंगे, तो जो भी अपडेट आती है हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करें। एंड साथ ही आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम लोग अपलोड करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए साइंस कॉलेज की मेरिट लिस्ट की बात करते हैं कि उसको कैसे डाउनलोड करना है। तो साइंस कॉलेज का मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए आपको गूगल पे आना है, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर भी जा सकते हैं। देन अगर आप गूगल पे आते हैं तो इस टाइप का आपको सर्च करना है साइंस कॉलेज बिलासपुर करके, देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो ऊपर में ही आपको लिंक मिलेगा। देन इस टाइप का इंटरफेस ओपन होके आएगा, इस पर देखिए यहाँ पर नीचे में नोटिफिकेशन जो है फ्लो हो रही है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, या फिर नीचे नोटिस करके लिखा है इस पर भी आ करके आप क्लिक कर सकते हैं यूजी फर्स्ट एडमिशन लिस्ट। देन आपके पास इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो के आएगा, देन आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो मेरिट लिस्ट आई हुई है, यहाँ पर लिखा भी है 2023-24। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में फॉर्म डाले थे उसका अगर आपको लिस्ट चेक करना है तो आप सिंपली से उस पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर लेके जो कोर्सेस हैं उनको लिस्ट किए गए हैं। तो जैसे एक को डाउनलोड करके देखते हैं, तो डाउनलोड होने के बाद में आपका लिस्ट कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि आपका नाम आया है कि नहीं आया है, और आया है तो कौन से कैटेगरी में से आया है, और कितना कितना कट ऑफ गया है। जो लिस्ट के लास्ट में परसेंट है वही उसका कट ऑफ भी है, तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं इसी तरह। तो ये तो हो गई कि मेरिट लिस्ट आपको कैसे देखना है। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट कब तक है एडमिशन का। तो लास्ट डेट है आप लोग के लिए 3 जुलाई 2023 तक। जिनका जिनका भी नाम आया है आप लोग जाके साइंस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। अब बात करते हैं कि साइंस कॉलेज का जो है एडमिशन का जो पोर्टल है वो फिर से ओपन होगा कि नहीं फॉर्म भरने के लिए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस है कि उसको रीओपन किया जाए, सेकेंड मेरिट लिस्ट आने के बजाय में वहाँ का जो है फिर से रीओपन किया जा सकता है फॉर्म को। तो आप लोग उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आपने साइंस कॉलेज में अप्लाई नहीं किया है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ओपन ज़रूर से होगा। और ओपन होने का रीज़न ये है कि बिलासा कॉलेज वाले भी रीओपन कर रहे हैं, एंड UTD और अटल यूनिवर्सिटी में बाकी जितने कॉलेज हैं उनका भी डेट एक्सटेंड हो गया है। इस बार फॉर्म जितना चाहिए था उतना फॉर्म नहीं हो पाया है। तो अब बात करते हैं बिलासा गर्ल्स कॉलेज की। तो वहाँ का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो तो जारी कर दिया गया था, उसका एडमिशन डेट भी ख़त्म हो गया, बट हम लोग सब वेट कर रहे थे कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, बट वहाँ पर फॉर्म की कमी हो गई। मीन्स जितने स्टूडेंट लोगों का फॉर्म आना था उतने स्टूडेंट लोग का फॉर्म नहीं आ पाया है, और सीट जो है खाली जा रही है, इसलिए वहाँ का एडमिशन पोर्टल फिर से ओपन कर दिया गया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो अगर आप चाहते हैं अभी भी वहाँ पर अप्लाई करना, बिलासा कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 3 जुलाई 2023 तक आपका पोर्टल ओपन रहेगा, तब तक आप यूजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसकी भी नोटिफिकेशन हमने YouTube के कम्युनिटी पोस्ट एंड Instagram दोनों पे अपलोड कर दिया था, तो आप लोग ज़रूर से एक्टिव रहिएगा। मैं भी वीडियो अपलोड ना हो पाए बट कम्युनिटी पोस्ट एंड Instagram में आप लोग को अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो उसके लिए ज़रूर से आप लोग चेकआउट करते रहिएगा। देन अब बात करते हैं अटल यूनिवर्सिटी। अटल यूनिवर्सिटी में उसके अंदर में जितने भी कॉलेजेस आते हैं, DP, CMD, JP वर्मा और बाकी सारे कॉलेजेस जिनका फॉर्म अटल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से फिलअप हो रहा था, तो अटल यूनिवर्सिटी से नोटिस आया है कि वहाँ भी फॉर्म की कमी हो गई है, जितने स्टूडेंट लोग का फॉर्म आना चाहिए था उतना नहीं आ पाया है, तो उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दिया है ताकि सभी लोग जिनके पास भी सूचना नहीं पहुँची है, फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वो लोग फॉर्म भर लें। तो इसका लास्ट डेट एक्सटेंड किया गया है 8 जुलाई 2023 तक। एंड यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट की बात नहीं की गई है कि मेरिट लिस्ट कब जारी की जाएगी, बट जैसे ही मेरिट लिस्ट की डेट अपडेट होगी या फिर कहा जाए कि जैसे ही
पोर्टल क्लोज होगा उसके एक दो दिन बाद ही मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। देन अब बात करते हैं अटल यूनिवर्सिटी की, जो UTD है, मीन्स जो टीचिंग डिपार्टमेंट है, जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना था एडमिशन के लिए। तो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम तो होगा ही, बट उसका भी जो है फॉर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं तो 8 जुलाई 2023 तक आप इसका भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड आपका एडमिट कार्ड जो है 10 जुलाई 2023 तक आ जाएगा। एंड अगेन इसका जो है एग्ज़ाम डेट 11 जुलाई 2023 को ही रखा गया है। देन इसका जो है आप लोग का रिजल्ट 18 जुलाई 2023 को दिया जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग के लिए जो है डेट एंड टाइम वगैरह आपका 20 जुलाई 2023 से स्टार्ट होगा। एंड इसके साथ ही अगर आप लोग को इसका सिलेबस जानना है कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो ज़रूर से जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो या इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।